मैंने नहीं, मैं दो दिन पहले हैदराबाद में किचन का सिस्टम शुरू करके वहां से सारी रात जाकर उसके बाद सुबह आजाद कश्मीर चले गए। वहां पर कोटली में डायलिसिस के हवाले से और किचन के हवाले से फ्री दस्तरखान के हवाले से कोटली डीएच के अस्पताल में, जहां पर एडी मलिक साहब के बैरियर टाउन के हवाले से दुनिया जानती है उनको, उनके साथ मिलकर बल्कि वही सारा वहां पर बनवा भी रहे हैं, वो सारी सिलसिला जारी रहा। और अभी फिर हम सफर करते हुए वहां से पहुंचे सियालकोट। इस दरमियान हमारे साथ आतिफ भाई भी थे, डिफेंस वाले, जैदी रियल एस्टेट वाले अदिल मलिक साहब भी थे, उसके अलावा हमारे साथ अली हुसैन भी थे। अब हम इस वक्त मौजूद हैं सियालकोट में और मेरे साथ आप देख रहे हैं वजीर आला सिंह मुराद अली शाह साहब के हमशक्ल इरफान कालमी साहब मौजूद हैं, जो कि वाकई बड़े हमशक्ल हैं। अच्छा, अब सीन क्या है, ये तफाक से यहाँ मिली, यहाँ के बिजनेस मैन है। हम शुक्रिया अदा करेंगे यहाँ के डी एच क्यू अस्पताल सियालकोट के एमएस हैं डॉक्टर आजम इब्राहिम साहब, जिन्होंने हमारा वेट किया और उनकी फैमिली में एक शादी की तकलीफ है और ये नहीं गए अपने लोगों के मफादे आमा के लिए। इन्होंने सुना कि सियालकोट के गरीब लोगों के लिए अगर कोई फ्री डायलिसिस सेंटर बनाना चाह रहा है और वो टीम आ रही है तो इन्होंने टाइम दिया। सर आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके साथ मौजूद है बिजनेस मैन जनाब अतीकुल हसन साहब, आपका शुक्रिया। सर हमारे साथ मौजूद है मलिक जवाद साहब, मलिक जवाद साहब भी यहाँ सियालकोट की मारूफ बिजनेसमैन शख्सी बिजनेसमैन है यहाँ के। इरफान कादरी साहब भी बिजनेस सर तारुफ करा दे मैं दोस्तों का, क्या कहें। सबसे पहले तो मैं आप भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सियालकोट की धरती पे इकबाल के जो इकबाल ने जो सोचा था कि इकबाल के शहीन, और मैं आपको उसी से तस्वीर दूंगा कि इकबाल के रियल तौर पे शहीन है वो आप हैं, जिस तरह आप काम कर रहे हैं माशाल्लाह। हम अहले अहले सियालकोट आपके शुक्र गुजार हैं कि सियालकोट की धरती पे आपके कदम पड़े। हम सर हम तो अदा करते हैं आदिल मलिक साहब, आदिल मलिक साहब लेकर घूम रहे हैं। आदिल मलिक साहब ना सोने दे रहे हैं, ना बैठने दे रहे हैं, ना चाय पीने दे रहे हैं, ना खाना खाने दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों की सूरत में आप लोगों को यहाँ पे भेजा। मैं मुख्तसर सा तारुफ करवाऊंगा, ये हमारे हाजी मोहम्मद आसिफ साहब हैं, हमारे यहाँ के रियल एस्टेट के बहुत बड़े बिजनेस मैन हैं, इनकी फैक्ट्री भी है। मतलब अपना उस्मान सोमन साहब हैं, ये भी यहाँ की बिजनेस मैन शख्सियत हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो बाकी ये हमारे दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं। तो सियालकोट आने पे हम भाइयों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, अदील मलिक साहब का सूची तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं कि सियालकोट जैसे मुद्दा शहर में आप लोग तशरीफ लाए, आप लोग ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया और हम आपके शुक्र गुजार हैं। अल्लाह ताला आपको इसका यकीनन अजर भी दे रहे हैं और मजीद देंगे अजर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अब मैं आपको बताऊँ सिलसिला क्या है। सिलसिला कुछ इस तरह से है कि हम वर्किंग कर रहे थे फ्री डायलिसिस सेंटर्स पर, चूंकि अदील मलिक साहब इन तमाम इलाकों में ट्रैवल करते रहते हैं, उन्होंने यहाँ की जरूरियात को बताया, यहाँ पर जो अतराफ़ के शहरों से लोग आ रहे हैं उनको क्या मुश्किलात हैं वो बताया। जिस तरह हमने कोटली आज़ाद कश्मीर में आज पूरा दिन वर्किंग की है, उसके बाद हमारी मीटिंग शायद कुरैशी साहब जो बैरिया टाउन के कंट्री हेड हैं उनसे हुई, उनकी पूरी फैमिली से मुलाकात हुई, उनके सारे भाइयों से, और हमने उनका शुक्रिया अदा किया कि बलूचिस्तान के सैलाब में जहां लोग नहीं मदद करने के लिए निकल रहे, मुझे नहीं मालूम क्या वजह है, निकले मैं बार बार अपील कर रहा हूं सबसे, बहुत मुसीबत में, उसमें उन्होंने इतनी बड़ी क्वांटिटी में मिलियंस ऑफ रुपीज हमें दिए और वो सारा राशन लोगों के घरों तक पहुंचा, ट्रकों का कॉन्वॉय गया, वो मुख्तलिफ बस्तियों में रुका, वहां से उतर के सामान डाटसन और चिंची के जरिए लोगों के घरों में पहुंचा। मैंने उनको आज खैरपुर की, सखर की, राजनपुर की, कौंसा शरीफ की और जितने इलाकों में तवाही मची उनकी पूरी सूरत हाल बताई, उनसे रिक्वेस्ट की सर प्लीज अगर आपका एक फोन हिलेगा तो बहुत बड़े पैमाने पे लोग मदद करेंगे और बड़ी मुसीबत में हमारे पाकिस्तानी भाई, वो उनसे रिक्वेस्ट की, वो सिलसिला जारी रहा। और अब अदील मलिक साहब के साथ हम यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर साहब के पास, आजम इब्राहिम साहब के पास, एमएस हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है। कराची में अगर होते तो शायद हम उनसे मिल भी नहीं पाते, एमएस का तो एक रोग होता है, दबदबा होता है, थोड़ा सा गुरूर होता है, ऐसे ही होता है ना बिल्कुल। लेकिन सर ने टाइम दिया, सर आपको हमारा आइडिया कैसा लगा फ्री डायलिसिस वाला? बहुत अच्छा। ऑलरेडी सियालकोट में ये फैसिलिटी थोड़ी छोटे लेवल पे है, गवर्नमेंट लेवल पे, और इंशाल्लाह ताला एक दो दिन में हम मीटिंग अरेंज करेंगे, जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं और जो डॉक्टर्स ऑलरेडी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं सियालकोट में, उनको हम ऑन बोर्ड लेंगे और इंशाल्लाह सबसे मुलाकात करवाएंगे, फिर वो अपनी रिक्वायरमेंट आपके सामने रखेंगे, आपका जो प्लान है हम कोशिश करेंगे कि आपके जेर से आया ये काम हम बड़े लेवल पे करें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं गर्व मुमालिक मुखिम पाकिस्तानियों से कहूँगा आगे बढ़ो भाई, सिर्फ सियालकोट वाले तमाम लोग हमारे साथ हैं। और एक और बात, एयर सियाल के मालिक जिलानी साहब को मुबारकबाद दूंगा, आपको इंटरनेशनल एयरलाइन का लाइसेंस मिल गया सर, बहुत बहुत मुबारक हो। और इंशाल्लाह इस काम में भी हम उम्मीद रखते हैं आप, आपके सीईओ अमीन साहब सब हमारा साथ देंगे और इंशाल्लाह हम आपके पास मुबारकबाद देने हाजिर होंगे। इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है क्योंकि हमने फ्री डायलिसिस के प्रोजेक्ट को पाकिस्तान की गली गली लेके पहुंचने हैं। कोई शख्स, किसी का बाप, किसी की माँ इसलिए नहीं मर जाए, बहुत महंगा है, कैंसर से महंगा है। जब तक जिंदा है मरीज या तो मशीन पर है, वरना बराबर में जाएगा उस वक्त तक मशीन पर, अगर तो उसका ट्रांसप्लांट हो जाए तो। डॉक्टर साहब एक और आज का वाकई बताऊं, लोग भी सुन रहे हैं, हम गए डीएचयू अस्पताल कोटली में, तो वहाँ एक छोटी सी बच्ची 3 साल की बैठी हुई थी, तो वहाँ के टेक्नीशियन ने आकर हमें बताया कि इसके ट्रांसप्लांट के लिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए 40 लाख रुपए चाहिए और इसके पास टाइम से 6 महीने, 10 लाख इन्होंने ऐलान किया,
10 लाख हमने ऐलान किया, फिर 10 लाख इन्होंने ऐलान किया, अब सिर्फ रह गए हैं 10 लाख और, वो भी इनके दोस्तों के। लेकिन आप सोचें उस बच्ची को थोड़ी मालूम कि जो लोग खड़े हैं ये मुझे जिंदगी देके जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ लोगों का दिल बड़ा है, अगर लोग इसमें भी शामिल होंगे मैं कहता हूँ लोगों की जिंदगियां मिलेंगी। हमारा सीधा सीधा निजाम है ना, कोई चंदगी पेटी होती है ना कुछ, आए बिस्तर पे लेटे अपना डायलिसिस कराएं, जिस दिन तक आप जिंदा हैं इज्जत के साथ। इस वीडियो में आदमी शेयर करना, दिल पर मैसेज देना चाहे तो दे दें, कोई अपने दोस्तों को पूरी दुनिया में आपके दोस्तों। मैं सारे दोस्तों से कहता हूँ कि सारे पाकिस्तान के बच्चे हो आप, पाकिस्तान का साथ हो और ये बहुत जरूरी है। कश्मीरी कम्युनिटी जो इस वक्त यूके में, उनसे क्या अपील करेंगे? वो तो मैं अपने सारे दोस्तों से फिर अपील नहीं करूंगा, उनके सबके घरों में जाके अच्छे के लिए लेके आऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अपील नहीं करूँ, नहीं ये इनकी मोहब्बत है कि अपने भाइयों से, जो जितने कश्मीरी 1.5 मिलियन यूके में है सिर्फ, भाई आपका 10 पाउंड और 20 पाउंड और 100 पाउंड कितनी बड़ी रकम बनती है हमारे लिए आपको नहीं मालूम। आपके 10 पाउंड से एक राशन तैयार हो रहा है गरीब के घर का, पूरे महीने का उसके बच्चे खाएंगे। तो प्लीज आगे बढ़े, जो जो जिन जिन शहरों में सैलाब जल रहा है खुद अपने रिश्तेदारों को भेजें, वो खरीदें राशन वहां तक पहुंचा दें। और एक दफा फिर सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करूंगा, एमएस साहब आपका शुक्रिया अदा करूंगा। हम इस वक्त रात के अस्पताल यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हम रास्ते में लेट हो गए, सर ने हमारा बहुत वेट किया, वरना हम इनके अस्पताल को चल के जाते हैं। और अभी हमारी मुलाकात सियालकोट में डॉक्टर फिरदौस आशिक अरवान साहब से भी है, वो भी कोई खाली जगह उनके पास है, कोई अस्पताल है जो वो देना चाहती हैं डायलिसिस के हवाले से, किन उमूर पर बात है वो इंशाल्लाह सुबह से मीटिंग हुई होगी अपडेट आपको मैं दिखा। थैंक यू सर, बहुत।